इस वीडियो में हम जानेंगे आवाज गुणनखंड प्राइम फैक्टर के बारे में और उससे संबंधित जो भी संभावित प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में देखिए अभाज्य गुणनखंड है प्राइम फैक्टर से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत ही कम आते हैं आपके टेट सी वगैरह में तो आते भी नहीं हैं लेकिन लासा मासा एल सी एम एल में इनका बहुत यूज है जब तक तो आपको आवाज गुणनखंड करना नहीं आएगा आप लासा या मासा के क्वेश्चन नहीं कर सकते इसके अलावा भी और भी प्रश्न होते हैं उनमें भी आपका आवाज़ गुड़नखंडों का यूज होता है आपके वर्गमूल और घनमूल में भी आवाज गुड़न खंडों का योग होता है यूज होता है ठीक है तो आवाज गुड़नखंडों से संबंधित डायरेक्ट प्रश्न नहीं आते लेकिन और प्रश्न करने के लिए आपको ये आना चाहिए आवाज गुड़न खंड निकालना आना चाहिए तो आवाज गुड़नखंड में आपके दो शब्द होते हैं इसमें एक आपका होता है आवाज एक आपका होता है गुड़नखंड ठीक है आवाज शब्द का मतलब क्या होता है आपकी ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल दो संख्याओं से विभाजित होती हैं एक खुद से और एक एक से बाकी क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं है होती हैं ऐसे आपका दो तीन पाँच सात ग्यारह ये सब आपकी क्या अभाज्य संख्या है सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या है दो है ठीक है फिर तीन फिर पाँच सात ग्यारह तेरह ऐसे ही फिर नेक्स्ट आपका है गुणनखंड का भी मैं मतलब आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ गोलनखंड का क्या मतलब होता है ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या को कंप्लीटली पूर्णतया विभाजित कर दें डिवाइड कर दें वो आपके क्या होते हैं संख्या का गुणनखंड होते हैं ठीक है वहाँ पे हमने बात की थी गोलनखंड की तो हम सारे नंबर्स को ले रहे थे जो भी उसको पूरी तरह विभाजित करते थे लेकिन यहाँ पे हम केवल अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे ठीक है तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया आवाज गुणनखंड आपकी गुणनखंड तो हैं लेकिन हैं कैसी सारी संख्याएं अभाज्य हैं ठीक है इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया आवाज गुणनखंड उदाहरण के लिए हमारे पास एक नंबर है छ अगर हम छः के गुणनखंडों की बात करें तो एक से भी विभाजित होगा दो से भी तीन से भी और छः से भी ठीक है तो ये तो सब इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए लेकिन जब हम अभाज्य गुणनखंडों की बात करेंगे तो केवल दो और तीन ही ऐसी संख्याएं हैं जो इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड है ठीक है तो ये आपके क्या हो जाएगा दो और तीन सिंपली हम अभाज्य गुणनखंडों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं तो अगर हम आठ के बाद गुणनखंडों की बात करें तो आठ के हो जाएंगे दो गुणा दो गुणा दो दो दूनी चार दूनी आठ आकर हाँ क्या हो जाएगा ठीक है तो ये लिखने का तरीका है आवाज़ गुणनखंडों को तो अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम आवाज गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं तो हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं पहले बहत्तर सेवेंटी टू का ठीक है तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके लिए हमने इस तरीके से इसको लिख लिया ठीक है हम आवाज गुणनखंड पता करने के लिए सबसे छोटी आवाज संख्या से शुरू करते हैं तो सबसे छोटी आपकी आवाज संख्या क्या है दो है तो सबसे पहले हम दो से विभाजित करेंगे अगर हो रहा होगा तो अगर नहीं होगा तो अगली पे जाएंगे तीन नहीं होगा फिर अगली पाँच पे जाएंगे नहीं होगा फिर अगली सात पर ठीक है तो ये क्रम आपका ऐसे आगे चलता रहेगा तो सबसे पहले हम दो से चेक करते हैं तो आपकी संख्या है बहत्तर तो आप दो से चेक करेंगे कि दो से बहत्तर डिवाइड हो पाएगा या नहीं ठीक है तो हमने यहाँ पर अलग से रफ स्पेस में दो से बहत्तर को डिवाइड किया तो आप दो से बहत्तर को डिवाइड करोगे तो दो तियाँ छः आपका हो जाएगा यहाँ पर एक दो तो दो छिक बारह तो आपने देखा आपका रिमाइंडर जीरो आ गया इसका मतलब है आपकी बहत्तर दो से विभाजित हो गया ठीक है तो यहाँ पे हमने लिखा दो तो दो से आपने किया बहत्तर को विभाजित अब यहाँ पे आपका क्या आएगा वो आपका आएगा ये वाली संख्या जो अभी आपका भागफल में होगी ठीक है भागफल में आपका क्या छत्तीस है अब बहत्तर से मतलब नहीं है अब आपको छत्तीस पे फोकस करना है ठीक है अब छत्तीस को विभाजित करेंगे आप दो से चेक करते हैं हो पाएगा या नहीं तो आप जो भी रूल थे विभाजित आके उससे आप चेक कर सकते हैं आपका लास्ट में क्या अच्छे है सम संख्या है तो ये दो तो आपका दो से विभाजित हो जाएगा ठीक है तो छत्तीस आपका दो से विभाजित हो जाएगा अब विभाजित करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा तो उसके लिए हमने क्या किया दो से छतीस को किया विभाजित तो दो एक कम दो आपका बच्चा यहाँ पे छः दो अट्ठे सोलह ठीक है तो आपका क्या हुआ विभाजित करने पर आपका क्या आएगा क्वेश्चन में भागफल में आप, आपका आएगा अठारह ठीक है तो ये आपका अठारह आ जाएगा यहाँ पे अब फिर हम अठारह को विभाजित करेंगे अब अठारह भी आपका दो से विभाजित हो जाएगा तो जब आप दो से अठारह को विभाजित करोगे तो आपका क्या आएगा दो निम्न अठारह ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा नौ आ गया तो यहाँ पे ये नौ आपका यहाँ आ जाएगा अब नौ तो आपका दो सौ विभाजित होगा नहीं ठीक है तो अगली संख्या पे जाएंगे अब आज वो आपकी क्या है तीन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीन से चेक करेंगे हम पहले ठीक है तो नौ है तीन तियाँ नौ विभाजित हो जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा तीन इसको और आगे बढ़ा दिया लाइन को अब यहाँ पे आपका क्या आएगा नौ को तीन से विभाजित करके देखा तो तीन तिया नौ आपका यहाँ पे क्या आ गया तीन ठीक है अब तीन तीन से विभाजित होगा जब आप तीन से तीन को विभाजित करेंगे तो आपके क्या आएगा एक ठीक है तो या फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक अब लास्ट में आपको मिल गया एक यह प्रक्रिया हम यह प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि आपको लास्ट में एक नहीं मिल जाएगा ठीक है तो ये आपके सारे क्या हो गए बहत्तर के आवाज गुणनखंड खंड है इसको लिखने का तरीका ये होगा बहत्तर बराबर दो, दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन ठीक है तो ये क्या हो गए बहत्तर के आवाज उखंड प्राइम फैक्टर अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास तीन सौ पिच्यासी अब देखिए सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है दो है तो हम दो से चेक करेंगे सबसे पहले तो इसमें आपका इकाई अंक पाँच है तो ये तो संख्या दो से विभाजित हो नहीं पाएगी तो हम अगली संख्या पे जाएंगे अभाज्य में आवाज आपकी क्या है तीन है अब तीन से चेक करेंगे तो तीन का रूल है उससे हम चेक कर सकते हैं तो तीन प्लस आठ आपकी क्या हुई ग्यारह ग्यारह और पाँच सोलह तो ये भी आपके तीन से विभाजित नहीं हो पाए क्योंकि आपका सम क्या है संख्याओं का योग तीन से विभाजित नहीं हुआ तो अगली पे जाएंगे पाँच ठीक है तो यूनिट डिजिट आपका पाँच है तो पाँच से तो ये विभाजित हो जाएगा ठीक है तो पाँच लिखा हमने यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आएगा इसके लिए हमने क्या किया तीन सौ पचासी को यहाँ पे रफ में हमने पाँच से विभाजित करके देख लिया तो पाँच सत्ते पैंतीस आपका बचा तीन पाँच पाँच सत्ते पैंतीस आपका क्या आ गया सेवेंटी सेवन तो यहाँ ये आपका आ जाएगा सतहत्तर यहाँ पे अब सतहत्तर आप देखिए पाँच से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसमें आपकी यूनिट रेट क्या होगी सात आ गई तो अगली संख्या पे हम जाएंगे पाँच के बाद आपकी क्या जाएगी? 7 11, आ जाएगी सात अब सात से ग्यारह सात ग्यारह सतर से सतहत्तर होता तो ये आपकी सात से विभाजित हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे हमने लिख दिया सात अब यहाँ पे क्या आएगा तो आप सात से सतर को विभाजित करके देख लो ग्यारह सात एक कम सात जीरो सात सात एकम एक सात ठीक है तो आपके यहां पे क्या आ गया ग्यारह अब ग्यारह सात तो से विभाजित होगा नहीं ग्यारह तो ग्यारह से विभाजित होगा अपने आप में अभाज्य संख्या है तो ये आपकी ग्यारह से विभाजित होगा ठीक है और ग्यारह से ग्यारह को विभाजित करोगे तो आपका क्या हो जाएगा एक तो लास्ट में हमको एक मिल चुका है इसका मतलब है तीन सौ पिचासी के आवाज क्या हो गए पाँच गुणा सात गुणा ग्यारह ये तीनों आपकी कैसी हैं अभाज्य संख्याएं हैं नेक्स्ट है वन सिक्सटी नाइन तो सबसे पहले हम टू से चेक करेंगे तो इसमें देखो आपकी यूनिट डिजिट क्या नाइन है अंतिम अंक ठीक है तो ये आपका दो सौ नहीं होगा तीन से चेक करेंगे तो एक और छः आपको हो जाएगा सात सात और नौ आपको हो जाएगा सोलह तो सोलह तो तीन से विभाजित होगा नहीं तो ये भी नहीं होगी पाँच लास्ट में नौ है तो पाँच से भी नहीं होगा सात सात से देख लेते सात दोनी चौदह बचे दो उनतीस हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा ग्यारह ग्यारह से भी नहीं हो पाएगा ठीक है ग्यारह एक कम ग्यारह बचे पाँच और फिफ्टी नाइन हो जाएगा पचपन हो रहा था ठीक है तो अगली संख्या हम देखेंगे ग्यारह के बाद आपका आ जाएगा तेरह ठीक है तेरह के बाद सत्रह सत्रह के बाद उन्नीस और ऐसे आगे आएंगे ठीक है तो ग्यारह के बाद अगली संख्या आ गई तेरह आप तेरह से चेक करेंगे तो तेरह एक कम तेरह बचेंगे तीन तेरह तीन उनतालीस ठीक है तो तेरह से ही आपके विभाजित हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिखा तेरह और अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना नहीं आता तो आप भाग करके देख लें अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ तेरह एकम तेरह सोलह थे तेरह एक कम तेरह तेरह चले गए आपका बचा तीन तो तीन वो यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएंगे उनतालीस तेरह तीरह उनतालीस अब जिसको ये समझ में नहीं आया कैसे किया तो वो सिंपली रफ में डिवाइड करके देख लें ठीक है वन सिक्सटी नाइन को तेरह से कर दो भाग तो तेरह एकम तेरह बच्चे तीन नौ तेरह तीन उनतालीस ये आपका यहाँ पे आ गया तेरह ठीक है अब तेरह है तो तेरह तो तेरह से विभाजित होगा तो थर्टीन बन जा थर्टीन ठीक है अब ये वन कैसे आ गया तो तेरह से तेरह कोई भाग करके देख लो तेरह एक कम तेरह तो ये आपका आ जाएगा एक यहाँ ठीक है और लास्ट में हमारा एक आ गया तो तेरह तेरह क्या हो गया फैक्टर हो गए तो हम लिखेंगे इसको ऐसे वन सिक्सटी नाइन इक्वल टू थर्टीन मल्टीप्लाई थर्टीन ठीक है नेक्स्ट है एक हजार एक सौ बावन ठीक है तो सबसे पहले दो से फिर तीन फिर पाँच सात ग्यारह ऐसे ही चेक करेंगे कंटिन्यू ठीक है तो सबसे पहले आप दो से देखिए तो लास्ट में दो है तो दो से तो विभाजित हो जाएगी ठीक है तो हम करेंगे दो से इसको विभाजित तो ये लाइन ड्रॉ की यहाँ पे हमने लिखा दो अब दो से हमें इससे भाग करना है और यहाँ पे क्या आएगा तो या तो आप रब पे कीजिए इसको या यहाँ डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं तो मैं आपको पहले डायरेक्ट करके दिखाऊंगा फिर भाग करके अलग से ठीक है तो यहाँ पे आपका ग्यारह तो दो छिक तो दो छिक बारह ज़्यादा हो जाएगा दो पंजे दस अब थे ग्यारह दस हो गए एक बचा एक यहाँ पे आ जाएगा हासिल तो ये आपको हो जाएगा पंद्रह तो दो सत्ते चौदह ठीक है पंद्रह है चौदह हो गए एक अब भी बचा अब एक आ जाएगा हासिल यहाँ पे तो दो छिक बारह ठीक है अब देखिए रब पे आप कैसे करके देखेंगे दो से ग्यारह से बावन को देना है भाग तो दो पंजे दस बच्चा एक पाँच दो सत्तर चौदह बच्चा एक दो आ, दो छिक बारह ठीक है थीके? तो अब भी आपका पाँच सौ छिहत्तर ही आया ठीक है अब छः है लास्ट में तो फिर ये दो से विभाजित हो जाएगी तो फिर दो से करेंगे तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं पाँच है तो दो दिन चार तो एक बच्चा अब यहाँ पर हासिल आ जाएगा सत्रह हो गए दो अट्ठे सोलह ठीक है एक बच्चा यहाँ पर आ जाएगा सोलह हो गए दो अट्ठे सोलह ठीक है समझ में नहीं आया वो पे अलग से भाग करके देख सकते हैं फिर आठ आ गया लास्ट में फिर दो से विभाजित हो जाएगा दो एक कम दो दो चौक आठ दो चौक आठ ठीक है चार है लास्ट में फिर दो से विभाजित हो जाएगा दो दो सत्य चौदह दो दो नी चार दो है फिर हो जाएगा दो से विभाजित दो तिया छ है सात तो एक बच्चा वो हासिल में आ जाएगा तो छिक बारह ठीक है छत्तीस है छः है तो फिर दो से विभाजित हो जाएगा तो दो एक कम दो बचा एक भी यहाँ पे आ जाएगा दो अट्ठीस सोलह हो गए ठीक है अब दो अठारह है तो दो निम्न अठारह अब नौ आ गया अब नौ तो विभाजित होगा नहीं दो से ठीक है नौ तो तीन से विभाजित होगा ठीक है तो तीन तीन तिया नौ ठीक है अब तीन एक कम तीन लास्ट में एक आ गया बस हो गया तो एक हज़ार एक सौ बावन के प्राइम फैक्टर होंगे अभाज्य गुणनखंड होंगे दो गुणा दो गुणा दो एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है और दो बार तीन तीन अब ये आपका गुणनखंड की फॉर्म होगी उसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं घात के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में वो हम कैसे लिखेंगे दो आपका है सात बार ठीक है तो जितनी बार होगा वो उसके ऊपर आ जाएगी घात में तो दो सात बार गुणा तीन आपका है दो बार तो तीन की घात दो ठीक है तो इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें बात एक ही है अब, अब आवाज गुणनखंडों से संबंधित आपके जो डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं वो तीन प्रकार के बन सकते हैं ठीक है और इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो बहुत तरीके के बन सकते हैं जैसे आपका लासा मासा में यूज होता है ठीक है आप बर्गमूल घनमूल का करोगे वहाँ भी आपका सब आवाज ग्रहणखंड यूज होता है ठीक है तो इनडायरेक्टली तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन जो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं वो तीन तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें आपसे तीन चीज़ें पूछ सकता है क्वेश्चन में तो पहला आपका है कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए मतलब आपको प्रश्न होगा उसमें आपसे पूछेगा कि आपको समावाज गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है दूसरा आपका है कि आपको विषम अभाज गुड़खंडों की संख्या ज्ञात करनी है ठीक है पहले में सम दूसरे में हो गया विषम केवल विषम विषम तीसरा आपका हो गया आपको कुल अभाजुखंडों की संख्या ज्ञात करनी है कि कुल कितने अवाज गुड़खंड होंगे ठीक है तो ये तो हो गए प्रकार अब हम हर एक तरीके का क्वेश्चन एग्जाम लेके देखेंगे तो पहले उदाहरण में हमारे पास है तीन आपको 360 के सम आवाज उड़खंड विषम अवाज गोलनखंड और कुल आवाज गोलनखंड तीनों ही पता करना है ठीक है एक ही से तीनों चीज़ हो जाएंगी तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन एक ही उदाहरण से हो जाएंगे ठीक है और भी उदाहरण लेंगे अलग तरीके के लेकिन इसमें आपका तीनों एक ही में आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तीन सौ साठ के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सम विषम कुल बाद में देखा जाएगा ठीक है तो तीन सौ साठ है लास्ट में जीरो है दो से विभाजित हो जाएगा तो दो से विभाजित करेंगे तो दो एक कम दो बच्चा एक यहाँ पे आ जाएगा यहाँ हो जाएगा सोलह दो अट्ठे सोलह अब जीरो बचा वो आप ऐसे लिख दो ठीक है एक सौ अस्सी है जीरो है लास्ट में फिर दो से विभाजित हो जाएगा दो निम्न अट्ठारह ठीक है जीरो ऐसे ही आ जाएगा जीरो है फिर दो से विभाजित हो जाएगा दो चौक आठ बचा एक वो यहाँ पे आ जाएगा हो गया दस दो पंजे दस ठीक है पैंतालीस हो गया अब पैंतालीस नहीं होगा बाजित दो से ठीक है तो अगली संख्या पे जाएंगे तीन तीन से हो जाएगा पैंतालीस तो तीन एक कम तीन बचा एक वो यहाँ पे आ गया पंद्रह हो गए तीन पंजे पंद्रह अब पंद्रह के लिए तीन से भाजित हो जाएगा पंद्रह तो तीन पंजे पंद्रह ठीक है पांच बचा पाँच तो पाँच से विभाजित तो होगा आभाज संख्या जो है आवाज अपने आप से विभाजित तो हो सकती है और पांच आभाज संख्या है ठीक है तो पाँच एकम एक पाँच ठीक है तो गुड़नखंड क्या होगा तीन सौ साठ के दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा पांच. ठीक है अब एक चीज देखिए आप ये जो हम लेते हैं वो दो से स्टार्ट करते हैं फिर तीन फिर पांच, फिर सात फिर ग्यारह फिर तेरह फिर सत्रह फिर उन्नीस इस ऑर्डर में जाते हैं अगर मान लो किसी ने गलती से जैसे आपके यहाँ पे पैंतालीस आ गया उसे देखा अरे पाँच से विभाजित हो रहा है सीधे सीधे तो उसने यहाँ पे पाँच से कर दिया ठीक है तो उसमें गलती कुछ नहीं है बस आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा गोलनखंडों का ठीक है तो अगर आप मान लो यहाँ पे पाँच से कर देंगे तो आपका बस क्या होगा ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पान निम पैंतालीस अब आपका नौ आ गया आपको अब आप तीन से करना पड़ेगा तीन तीन नौ तीन कम तीन ठीक है तो हुआ क्या बस ये ऑर्डर चेंज हो गया गुड़न खंडों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो गुड़न खंड पहले आने थे वही गुड़नखंड अब आएंगे बस जो है वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा ठीक है अगर आप सिस्टम से लेते हैं एक पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा तो आपका वो बस वो सिस्टमेटिक अरेंज रहता है यहाँ से आपका पाँच पहले आ गया तीन बाद में पहुँच गया इतना अंतर होना है बाकी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता ठीक है तो अगर ऐसा कभी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है जो छूट गए वो आगे जाके फिर उससे हो जाएगा ठीक है तो ये तो हो गई गुणनखंड यहाँ पे अब पहली बात है कि सम गुणनखंड कितने हैं अब देखिए सम सम आपकी संख्या है इनमें केवल दो ठीक है और दो आपको पता है कि अकेली ही ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है इसके अलावा कोई भी सम संख्या जो है अभाज्य नहीं है ठीक है तो दो आपकी कितनी बार है एक दो तीन ठीक है तो सम गुणनखंडों की संख्या हो गई तीन अब कर लेते हैं विषम की बात विषम देखिए विषम है दो तो सम में चला गया विषम है आपके तीन और पांच तो तीन और पांच दो हो गए ठीक है एक बार तीन एक बार पांच तो विषम की हो जाएंगे दो कुल अब चाहे तो सम और विषम को जोड़ दो चाहे यहाँ से गिन लो एक दो तीन चार पाँच तो कुल हो जाएंगे पाँच ठीक है अगला धारणा है आपके पास आठ गुणा तीस की घात दो ठीक है तो आप पहले घात को भी भूल जाओ ठीक है पहले आप आठ और तीस को देखो दोनों अलग अलग हैं तो दोनों की करेंगे अलग अलग फैक्टर ठीक है आवाज गुणनखंड तो पहले करेंगे आठ के तो दो से हो जाएगा दो चौक आठ दो दो नी चार दो एक कम दो ठीक है तो आठ की जगह तो लिख दो दो गुणा दो गुणा दो तीस के करो अब तो तीस के हो जाएंगे जीरो का तो दो से तो हो ही जाएगा दो एक कम दो दो पंजे दस अब पंद्रह आ गया पंद्रह तो दो से होगा नहीं ठीक है तीन से हो जाएगा तीन पंजे पंद्रह पाँच पाँच से हो जाएगा पाँच एक कम पाँच ठीक है तो दो। दो गुणा का निशान है तो बीच में गुणा का निशान लगाओ और लिख दो।, दो गुणा तीन गुणा पाँच ठीक है अब देखिए दो तीन पाँच जो आवाज गोलनखंड हैं वो तीस के हैं और इसके बाहर क्या लिखा है पावर दो है घात दो है ठीक है तो क्या करो इन तीनों को जो आपके क्या है तीस के जो गोलनखंड आए हैं इन तीनों को जो तीस के गोलनखंड हैं इनको बंद करो ब्रेकेट में और घात लगा दो ऊपर दो ठीक है अब देखो आगे क्या होगा अब आगे ये जो हम ब्रेकेट ओपन करेंगे ठीक है तो ये जो घात है ना वो तीनों में अलग अलग, अलग बट जाएगी ये दो के साथ भी आ जाएगी तीन के साथ भी पाँच के साथ भी ठीक है तो दो गुणा दो गुणा दो गुणा अब यहां पे आ जाएगी घात ठीक है तो ये हो जाएगी दो की घात दो गुणा इसके ऊपर आ जाएगी तीन की घात दो गुणा पांच के ऊपर आ जाएगी पांच की घात दो अब या तो सबको फैला के लिख लो या फिर सबको घात की फॉर्म में लिख दो तो मैंने आपको एक उदाहरण घात का भी बताया था कैसे लिखते हैं ठीक है तो दो तो ये हैं और तो एक दो तीन ये हैं ठीक है तीन एक दो तीन और चार पाँच हो गई ठीक है एक एक इनकी और दो इसकी तो टोटल हो गई पाँच घात तो दो की घात हो जाएगी पाँच और तीन और पाँच तो अकेले अकेले हैं तो तीन की घात दो पाँच की घात दो ठीक है तो अब देखेंगे बस यहाँ तक होगी इसके आगे अब ये नहीं हो पाएगा ठीक है सबसे पहले देखेंगे सम के लिए तो सम में आप देखिए सम आपके पास केवल दो है और दो की घात कितनी है पाँच तो मतलब दो पाँच बार है ठीक है तो सम हो जाएंगे पाँच विषम तीन और पाँच दोनों ही विषम है तो तीन के हैं दो फैक्टर और पाँच के हैं दो तो दो दो कितने हो जाएंगे चार हो जाएंगे विषम और कुल कितने होंगे दोनों को जोड़ दो पाँच और चार नौ ठीक है चाहे यहाँ से गिर लो आप एक ही बात है अगला उधारण है बीस की घात बीस ठीक है तो घात को भूल जाओ केवल बीस पे फोकस करो ठीक है हालांकि यहाँ पे घात और वो एक ही है ठीक है तो आप इस बीस को देखो इसको भूल जाओ ठीक है घात कुछ भी हो सकती है तो इस बीस पे फोकस करो और इसके कर दो फैक्टर तो बीस के फैक्टर क्या हो जाएंगे दो एक कम दो ठीक है दो पंजे दस और पाँच है तो पाँच एक कम पाँच ठीक है तो ये हो जाएंगे बीस के जो फैक्टर हैं इसके वो हो जाएंगे दो गुणा दो गुणा पाँच ठीक है अब ये तो हो गए बीस के फैक्टर और घात बीस है तो इन तीनों को करो ब्रेकड में बंद और ऊपर लगा दो घात बीस ठीक है अब क्या होगा अब या तो इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लो पहले ठीक है या फिर घात लगाने के बाद में कर लेना ठीक है तो चाहे पहले करो चाहे बाद में कोई फ़र्क नहीं है ठीक है तो मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ ठीक है चलो चाहे बाद में कर लेंगे मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ ठीक है बाद में करूँगा मैं यहाँ पर तो सब बीस जो है तीनों में बढ़ जाएगा तो दो की घात बीस गुणा दो की घात बीस और गुणा पाँच की घात बीस अब इसको अगर ब्रैकेट में करते सॉल्व तो कैसे करते है? दो और दो दो गुणा दो सेम है तो दो बार है तो जाएगा दो की घात दो गुणा पाँच अकेला है पाँच की घात बीस अब आगे कैसे होता अब ये बीस दोनों में बटेगा तो बीस इसके साथ भी आएगा और इसके पास दो पहले से है तो इस दो की और बीस की हो जाएगी गुणा घातों की क्या हो जाती है गुणा हो जाती है ठीक है जब ब्रेकेट के बाहर हो तो, तो दो की बीस से गुणा हो जाएगी तो ये जाएगा दो की घात चालीस गुणा और पाँच में ऐसे आ जाएगा पाँच की घात बीस घातों को आप डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा जो जब हम घात और करणी को अलग से पढ़ेंगे उसमें ठीक है अभी आप ऐसी समझ लीजिए इसको छोटी सी चीज़ है अब यहाँ पे देखिए दो और दो तो सेम है तो घाते दोनों की जोड़ दो तो बीस ये है बीस ये है तो हो जाएगा चालीस ठीक है यहाँ पे हमने गुणा की थी क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर थी गाते और यहाँ पे ये दोनों गुणा में है और इनके पास घाते हैं ठीक है थीके? तो ये थोड़ा सा याद रखना है गुणा पाँच की घात बीस ऐसी हो जाएगा अब क्या अब तो कुछ भी नहीं है इससे आगे सॉल्व होगा नहीं है तो सम हो जाएंगे आपके दो है अकेली सम संख्या चालीस विषम विषम इस क्वेश्चन इसमें आपके केवल पाँच है तो पाँच की क्या बीस है तो बीस हो जाएंगे और कुल कितने हो जाएंगे चालीस और बीस साठ ठीक है ये हो गया इसका अगला उदाहरण है नौ की घात तीन गुणा पच्चीस की घात दो ठीक है तो घाते छोड़ो केवल नीचे जो आधार है उस पर फोकस करो तो नौ के हो जाएगा ये तो छोटी संख्या तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ नौ का हो जाएगा तीन गुणा तीन ठीक है तीन गुणा तीन और ब्रेकेट है बाहर तो दोनों को ब्रेकेट में वो घात है तो दोनों को ब्रेकेट में बंद करके घात लगा दो ऊपर तीन गुणा पच्चीस का हो जाएगा पाँच गुणा पाँच तो दोनों को ब्रेकेट में बंद करके घात लगा दो दो अब या तो इनको ब्रेकेट में पहले सॉल्व कर लो तो ये तो ऐसे हो जाएगा तीन तीन दो बार है तो तीन की घात हो जाएगा दो गुणा पाँच पाँच दो घात है और ये ब्रेकेट में एक और लगा के बाहर है घात तीन ठीक है तो ये दो तो आ गया ये अंदर वालों की वजह से और बाहर घात ऐसे ही लिख दी हमने ऐसे ही पाँच की घात दो है तो ये लिख दो और ब्रेकेट लगा दो और बाहर वाला भी दो लिख दो ठीक है अब इनको आप आगे सॉल्व करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी घातों की ठीक है क्योंकि ब्रेकेट को हमें सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा तीन की घात तीन दुनी छः और पाँच की घात ये हो जाएगा दो तो दूनी चार ठीक है तो ये तो हो गया ऐसे और अलग अलग यहीं पे बांट दोगे डायरेक्ट तो कैसे हो जाएगा तीन सब में तीन इन दोनों में बांट दो तो तीन की घाट तीन तीन की घात तीन गुणा पाँच की घात दो गुणा पाँच की घात दो अब जुड़ेंगे बात तो एक ही है ना तो तीन तीन जोड़ दो तो तीन की घात छः और दो और दो जोड़ दो पाँच की घात दो तो चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से बात एक ही है की ये, ठीक है क्योंकि गलत हो गया थोड़ा हाँ दो दो तो चार हो जाएंगे ये अब सम कितने हो जाएंगे इससे आगे तो सॉल्व होगा नहीं तो सम हो जाएंगे अब देखो इसमें सम अकेली आवास संख्या दो ही है अब दो तो उसमें है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास कोई सम गुणनखंड है ही नहीं ठीक है सम आवास गुणनखंड इसका कोई होगा ही नहीं तो सम में तो हो जाएगा अब जीरो क्योंकि दो इसका फैक्टर है नहीं और दो ही अकेली अभाज्य संख्या है ठीक तो है तो समाज संख्या लिए दो तो ये तो हो गया जीरो विषम विषम है तीन भी विषम है पांच भी विषम है तो तीन का छ है पांच के चार है तो हो जाएंगे टोटल दस कुल जो पांच और तीन और पांच के वही कुल होंगे दस ही होंगे कुल ठीक है तो इसमें थोड़ा अलग मैंने एग्जाम्पल लिया था इसमें आपका जो सम है जो दो है वो था ही नहीं और जब दो था नहीं तो सम कुछ होगा नहीं ठीक है क्योंकि आपकी दो अकेली जो है सम आवाज संख्या है